हाजिर, वेलकम बैक। हम अब्दुल वही साहब से कोरिया के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे जी। प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। बता रहे थे कि कोरिया का जीएनपी 20,000 पे पहुंच गया पर कैपिटल इनकम, जबकि हम लोग पाकिस्तान में 1,000 पे रहे। और ये इंस्पाइट ऑफ सिमिलर कंडीशंस लाइक वी वेर बोथ कंट्रीज आर अमेरिकन अलाइज, मिलिट्री कॉपरेशन उनकी रही है, एड भी काफ़ी आया है वहाँ से। असल में पॉलिसीज को फोकस करना, फिर ये कि आपने सपोज अगर हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं तो उन 5 ईयर प्लान्स में हमने जो टारगेट रखे हैं हम उसको किस तरह मीट करते हैं और किस हद तक मीट करते हैं। तो एक अगर आप टारगेट बनाएं तो देन जिस तरह जापान है या दूसरी कंट्रीज़ हैं, कोरिया है, तो अगर वो एक टारगेट बना देते हैं तो देन दे ट्राई टू अचीव। डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में ये जो एक पॉपुलर सोच है आम लोगों की कि अनलाइक पाकिस्तान, कोरिया में कोई नेशनलाइजेशन नहीं हुई, जापान में आज तक नेशनलाइजेशन नहीं हुई, जर्मनी में नहीं हुई, अगर इन तीन मुल्कों को आप ले लें जो कि बहुत क्लोज है, वेस्टर्न अलाइज भी रहे और डिस्ट्रॉयड थे और फिर से उठे, तो डू यू थिंक कि जो 72 में नेशनलाइजेशन हुआ उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हम पीछे रह जाने में? भी 1960s में इंडस्ट्रियल सेक्टर ने काफ़ी ग्रो किया और लेकिन ग्रोथ काफ़ी हुई, अभी हमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के बावजूद भी अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्रियल एसेट्स थे वो उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई। अच्छा, फ्यू फैमिलीज के हाथ फ्यू फैमिलीज के हाथ में। दिस इज आल्सो ट्रू फॉर कोरिया। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, हुंडई क्या क्या बिजनेस नहीं करता है, शिप बिल्डिंग से लेके टीवी ये सब चीज़ बनाता है जी जी। सैमसंग क्या नहीं बनाता, तो सैमसंग फैमिली इज वेरी रिच। हाँ, इस तरह ढांगो आठ बेखाल 15-20 बड़ी बड़ी फैमिलीज ऑन ऑल ऑफ कोरिया। लेकिन ये कि उनकी गवर्नमेंट जापान में भी बड़ी कंसंट्रेशन है, गवर्नमेंट कंसंट्रेशन है, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ पे रोल प्ले करके उसको किसी हद तक डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने की कोशिश की। अब अगर नेशनलाइजेशन तो नहीं की, नेशनलाइजेशन नहीं की, लेकिन तो क्या किस तरह से उन्होंने किया, हाउ दे वर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ टू द लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी? फिस्कल पॉलिसीज के जरिए, अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए, अपने रिफॉर्म्स के जरिए उन्होंने लोगों तक दौलत पहुंचाई। हम ये नहीं कह सकते कि अमीरों को टैक्स किया और गरीबों को दे दिया जी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि उन्होंने कैपिटलिस्ट सोसाइटी में किसी हद तक जो है उन्होंने रिफॉर्म्स के जरिए और फिर अपने फिस्कल पॉलिसीज के जरिए, मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए थोड़ी सी सोसाइटी में हारमोनी रखी। आपको जो सवाल था वो एक्सचेंज रेट का जी की तरफ आते हैं। एक्सचेंज रेट जो है वो अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो वो डिमांड एंड सप्लाई अगेन उसकी इंटरेक्शन से एक इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा। और फंडामेंटली तो आपके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के गैप को ही वो करता है ना, इन थ्योरी जी बिल्कुल। फिर ये एक्सचेंज रेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी से, कि ना आपकी इकोनॉमी स्टेबल है तो बेसिकली आपकी करेंसी की स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी से आपकी ग्रोथ कैसी है, आपका इन्फ्लेशन कैसा है। अरे अगर सपोज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसका मतलब पीपल आर लूजिंग देयर परचेजिंग पावर्स। तो अगर लोकली आपकी करेंसी की वैल्यू घट रही है तो वो एक्सटर्नली भी तो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना। जैसे मैंने आपको अपने बिजनेस के हवाले से एक बात प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश की कि अगर मेरे लोकल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो अगर मुझे एक्सटर्नली डॉलर रुपीज़ टर्म में डॉलर डिप्रिशिएट होके ज़्यादा ना मिले, आई कैन नॉट सर्वाइव, आई विल डाई। आप देखें स्ट्रैंगल हो जाऊंगा मैं। हम अगर सपोज कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे जो प्रोडक्शन है उसमें इम्पोर्ट कंटेंट कितना है, अगर सपोज कोई चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें इम्पोर्ट कंटेंट जीरो है। नहीं, जो दो इंडस्ट्री की मैंने आपके गारमेंट और स्टाइल की बात की, इंपोर्ट कंटेंट ना होने के बराबर। कॉटन हमारा है, हर चीज़ यहाँ का है, इवन जो टेक्सटाइल ये टाइल में मट्टी ज़मीन यहाँ की, थोड़ी बहुत पॉलिशिंग मटेरियल वगैरह शायद बाहर से आता है, कम्प्लीटली लोकल इंडस्ट्री। लोकल इंडस्ट्री स्टिल गॉट डिस्ट्रॉयड। देखें आपके यहाँ आप ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं वो एक फैक्टर है, आप मशीनरी इम्पोर्ट कर रहे हैं वो एक फैक्टर है, आपके यहाँ सपोज अगर इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है या दूसरे जो इनपुट्स हैं उनकी प्राइसेस में इजाफा हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी।
जैसे इस पीरियड इनडायरेक्टली, जैसे आप अगर आप 2004 या 2008 का पीरियड ले लें, उस वक्त ना पेट्रोल की कीमत को इतनी ज़्यादा बढ़ी, नॉर्मल जो थी वो थी, तो अभी एकदम से शूट अप हुआ ना, या और कोई इंपोर्ट की जो उसके अंदर इंपोर्ट थे उनकी कोई लोकल चीज़ें जो बढ़ी ना, वेजेस बढ़ गए, ओवरऑल जो महंगाई हुई, तो हर चीज़ महंगी हो गई, उसने आपके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा दिया विदाउट टू मच इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन एलिमेंट रॉ मटेरियल भी इसमें कोई में ये हुआ है कि जो प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट दिया गया, बहुत ज़्यादा क्रेडिट हुआ, आप देखें डिफरेंट फाइनेंसिंग स्कीम्स भी आई और क्रेडिट भी दिया गया, तो उससे ये है कि आपको एक शॉर्ट टर्म में एक नज़र आया कि ग्रोथ नज़र आई, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं रही। हम देखा कि फिर 2007 के बाद एक तो इंटरनेशनल क्राइसिस प्लस डोमेस्टिक जो हमारा सिनेरियो था, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन है, उसकी वजह से भी है ना स्टेबिलिटी नहीं रही इकॉनमी। अच्छा, ये एज ए बैंकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब ये जो सारी रौनक आई इस मुल्क में, वो सिर्फ इस वजह से आई कि इन्फ्लेशन को हमने नीचे किया था 2004 तक। जब 4% पे इन्फ्लेशन चला गया, तभी तो 8% पे लैंडिंग पॉसिबल हुई, और जब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ, फिर जाहिर है फिलिप्स कर्व को अगर आप मानते हैं, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा जाहिर है, तो और फिलिप्स कर्व ये भी कहता है कि आपके एफएक्स भी गिरेगी फॉरेन करेंसी, एफएक्स को तो आपने रोका रहा, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ, तो वो जो पूरा एक सिस्टम इवॉल्व हुआ था अराउंड 8% लैंडिंग रेट पे, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। अब वो बढ़ बढ़ के रेट बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए। जिन लोगों ने गाड़ियाँ 8% के बेसिस पे ली थी या दूसरी चीज़ें ली थी, वो तो ट्रबल में आ गए। उसके बाद से वो लैंडिंग जो है ना सॉर्ट ऑफ रुक गई। तो इन्फ्लेशन ने देखिए कितना ज़्यादा डैमेज किया कि एक तो जो लोकल इंडस्ट्री को जो हर्ट किया, आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री भी जो है ना उसमें आ गई, और वो जो एक प्रॉस्पेरिटी का जो सिनेरियो क्रिएट हो गया था इस पीरियड में, वो आस्ते आस्ते जो है डिक्लाइन पे चला गया। आजकल इसी पे हमारी ये सोच है कि अगर कोई स्मार्ट रूलर इन फ्यूचर इन्फ्लेशन को ज़ीरो पे ले जाए, विच इज़ पॉसिबल, मुशर्रफ कर सकता है तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं, 4% ला सकता है तो कोई ज़ीरो पे भी ला सकता है। जिस दिन वो ज़ीरो पे ले आएगा और लैंडिंग 4% पे होने लगेगी, तो इकॉनमी में एक बहुत बड़ा अपसर जाएगा, क्योंकि बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान इज़ ए पैराडाइज। हम लोग जहाँ जहाँ दुनिया भर में काम करते रहे, कहीं तो जैसे अमेरिका यूरोप है, जिस आदमी के पास 1 लाख की नेटवर्थ है, उसको बैंकर्स ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके, जैसे यहाँ इंश्योरेंस वाले घूमते फिरते हैं घरों घरों, वहाँ बैंकर घूमते फिरते हैं, आगे पूछेंगे डॉक्टर वहीद साहब आपके पास कितना पैसा है, आप कहेंगे जी 1 लाख है, कहाँ है, आप कहेंगे जी अब मैंने घर में लगाया हुआ है, तो वो आपको पीछे पड़ के, आपके बीवी के बच्चों के पीछे पड़ के किसी न किसी तरह आपको 80,000 का कर्ज़ा दे देगा कि जी घर तो आपका अपनी जगह पे है, वो मुझे मॉर्गेज कर दें, उसके बदले आप 80,000 लें, इससे आप एक तो बहुत अच्छी गाड़ी खरीद लें, उसके अलावा आप बच्चों को लेके फॉरेन ट्रिप पे चले जाएं, वहाँ पे 20,000 खर्च करके आ जाएं, बहुत बड़ा टेलीविज़न खरीद लें फ्लैट वाला, और आपको इतना वो मजबूर करेंगे कि अगर आप बहुत ही डिसिप्लिन आदमी भी हैं ना, आखिर में आप गिव अप कर देंगे बच्चों का डिमांड। तो हर सोसाइटी में बैंकर्स ने सोसाइटी को इस तरह से तबाह भी किया फॉर देयर ओन गेन। इन द केस ऑफ पाकिस्तान, लेंडिंग टू इंडिविजुअल्स वाज ऑलमोस्ट अननोन। कोई भी हाउस के अगेंस्ट को किसी किस्म का लोन नहीं मिलता था, गाड़ियाँ भी सबकी अपनी होती थी, खचाड़ा ही चला रहे थे लोग, घर जिसका जैसा था नहीं तो नहीं था। यहाँ जो उस दौर में शौकत अजीज के दौर में जो लेंडिंग हुई है, विच वॉज मोर देन वॉट वॉज लेंट ड्यूरिंग 47 एंड 2000, उसके वजह से एकदम से एक चमक धमक आई, मगर वो टोटल जो था वो 12% या 14% तक गया और अब घट के ज़ीरो पे आ गया। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई डिसिप्लिन लेकर आए, इन्फ्लेशन को ज़ीरो कर दे, तो इतनी बड़ी लेंडिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। अगर 50% तक तो लिवरेज करना कोई बुरी बात नहीं है ना, आपके पास 1 लाख है तो अगर आपने 50,000 ले लिया तो ठीक है, आप 50,000 अपनी सैलरी से आस्ते आस्ते या तो रिपे कर देंगे, या वर्स कम वर्स यू विल लिक्विडेट योर एसेट ऑफ 1 लाख, पे 50,000, स्टिल यू हैव 50,000 तो एंड यू हैव लिव्ड अ बेटर लाइफ। यहाँ इतना बड़ा पोटेंशियल है कि कोई आदमी स्मार्ट रूलर आए, इन्फ्लेशन को ज़ीरो करे,
एंड देन यू सी ए ग्रोथ हियर विच विल बी ट्रमेंडस. ऐसे तो सिचुएशन दुनिया में कहीं नहीं. इवन जहाँ सऊदी अरेबिया वाले में हम काम करके हैं वहाँ भी 38-40% तक लीवरेज चली गई, और इवन कोरिया शोरिया में भी 60-70, इंडिया इज अराउंड 40%. पाकिस्तान तो बैंकिंग पैराडाइज है, एसेट्स हैं अनलिवरेज्ड, विच इज़ ए बैंकर्स ड्रीम. तो यहाँ बड़ी पोटेंशियल उस लिहाज से हमें नज़र आती है. आप देखिए ना, हाउ डू यू प्रपोज के इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? दो पॉइंट हैं. एक तो ये कि इन्फ्लेशन को जीरो लेवल पे लाया जाए. दूसरी बात ये है कि जो बैंक्स हैं उनका रोल, ये बैंक्स जो है एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है जो कि फैसिलिटेट करता है लेंडिंग एंड बोरोइंग. बैंक के पास लोग डिपॉजिट्स करते हैं कोई रिटर्न मिलने के लिए, तो ये कि बैंक उस डिपॉजिट को लैंड करता है, वहाँ से भी उसको रिटर्न मिलता है, तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के तौर पे उसका कुछ हिस्सा बनता है. अब ठीक ठाक बनता है वो 6-7%, दिस इज नॉट बैड. अच्छा, ये भी मैं बताता चलूँ मैंने जहाँ जहाँ काम किया ना, वी यूज टू वॉक ऑन ए नाइफ. मैंने 2% पे पूरी जिंदगी गुजारी है 25 साल, 2% प्रॉफिट पे. 100 लोन में से 2 लोन भी अगर खराब हो गया, आई यूज़ टू लूज ऑल माई ईयर्स हार्ड वर्क. और अक्सर सऊदी अरेबिया जैसी जगह में हम लोगों ने ऐसे साल गुजारे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, वी हैव लॉस्ट 2 के बजाय 3% का लॉस हो गया, 4% हो जाता है, एंड वी यूज़ टू हैव ए नेट लॉस. जबकि पाकिस्तान में 7% रिटर्न है ऑन वेरी सिक्योर्ड बेसिस. सऊदी अरेबिया में, दुबई वगैरह में कहीं भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, सिर्फ नाम पर आप लेंड करते हैं. यहाँ तो कहते हैं कि जी अपने बीवी का जेवर भी ले आओ, अपने तमाम जायदाद को गिरवी कर दो, अपनी गाड़ी भी हमारे कर दो हवाले, मोटरसाइकिल भी हमारे हवाले कर दो, और उस पर भी 6-7% का रिटर्न, विच इज़ ट्रमेंडस, विच इज़ वेरी गुड. कहीं भी इतना रिटर्न नहीं है जितना पाकिस्तान में है. लेकिन अगर हम रिटर्न को रियल टर्म में देखें, लेकिन अगर बैंक 10% दे रहा है डिपॉजिटर्स को और इन्फ्लेशन रेट जो है वो 22% है, तो इट मीन दैट डिपॉजिटर्स आर गेटिंग नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ 12%. लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए, इसके बावजूद भी देखें आप डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि जो हमारा डिपॉजिटर्स है वो इंटरेस्ट रेट को इतना नहीं देखता, बल्कि वो अगर बैंक में पैसे रख रहा है तो उसका मोटिव कुछ और है. ये है कि वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी रख रहा है कि आप लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कभी भी कैश की जरूरत पड़ सकती है. कभी भी कैश हो आपका एटीएम अब उसको हो गया हो कभी, अब ये है कि बैंक में अगर नहीं रखेगा अपने पास रखेगा या कहीं और, तो फिर दैट इज़ अ प्रॉब्लम. एक तो ये चीज़ है. दूसरी बात ये है कि आपका जो पॉइंट है कि इन्फ्लेशन रेट को जीरो लेवल पे लाया जाए, तो एज एन इकोनॉमिस्ट मैं तो उससे एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि हम अगर इकोनॉमिक थ्योरीज को देखें तो जीरो लेवल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन जो है उसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता. आप इन्फ्लेशन को अच्छी चीज समझते हैं? नहीं, 2-3% का इन्फ्लेशन रेट मोटिवेट करता है. देखिए, ये तो मसला है ना, 2-3% होते होते, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि जीरो से 2-3% हुआ. मुशर्रफी के दौर में मैंने जो आके पहला रिपोर्ट पढ़ा था, एक पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, उस वक्त उससे 2 साल पहले तक तो 4% इन्फ्लेशन था, और वो इकोनॉमिक सर्वे बड़ा अपने आप को बूस्ट कर रहा था. 2004 का होगा वो, कि जी वी हैव मैनेज टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन फ्रॉम 12-4%, विच इज़ आवर बिगेस्ट अचीवमेंट, एंड आई फुली एग्री विद दैट. 2 साल के बाद जो रिपोर्ट 2006 वाली रिपोर्ट आई, उसमें कहा उन्होंने कि जी अब तो इन्फ्लेशन जो है उस जमाने में शायद 8% उन्होंने एग्री किया था. साथ ही साथ एक बड़ा सा एक बॉक्स लगाया था, वही जवाब वाली बात की उन्होंने जस्टिफाई करनी शुरू की 12% इन्फ्लेशन. और जस्टिफाई इसीलिए की थी कि उनको पता था कि जिस तरह से वो नोट प्रिंट कर रहे हैं और जिस तरह से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो ये 12 पे जाएगा. वो 12 तो क्या, करते करते 30 पे चला गया. वंस यू ओपन दिस विंडो, रूलर्स विल ऑलवेज टेक दिस एडवांटेज. अगर आप और मैं, हम इकोनॉमिस्ट वगैरह मिलके ये कहते हैं कि नहीं जी थोड़ी सी इन्फ्लेशन तो अच्छी है, जैसे थोड़ा सा बुखार तो बड़ा अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है, तो फिर वो जो है ना पेंडोरा बॉक्स खुलता है, उसके बाद उसके फिर कंट्रोल खत्म. जिम्बाब्वे की हालत देख लीजिए आप, 3000% इन्फ्लेशन. मुगाबे इज़ ए इकोनॉमिस्ट, दैट इज़ हाइपर इन्फ्लेशन. हम जो कह रहे हैं कि अगर आपका 2-3%, 4% है, उससे ये है कि आप जो है इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें, दे विल गेट हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट. उससे ये होगा प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन होगी तो उससे डिमांड फॉर लेबर में इजाफा होगा, लेबर को हायर किया जाएगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. जो अगर आप फिलिप्स कर्व फिनोमेना देखें कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इन्फ्लेशन कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन, अगर प्राइसेस कम हो रही हैं फ्यूचर में
अगर फ्यूचर में प्राइसेस कम हो रही हैं, इसका मतलब है कि डिप्रेशन इन्वेस्टर जो है वो अब इन्वेस्ट नहीं करेगा। जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने का। तो एक मॉडरेट लेवल का इन्फ्लेशन रेट 3-4%। मैं पर्सनली एग्री नहीं करता हूँ, मैं तो जीरो इन्फ्लेशन का आदमी हूँ। जापान में जीरो इन्फ्लेशन है, अमेरिका में इसको जीरो है, यूरोप में है, परेशान है उस जीरो इन्फ्लेशन से वो परेशान है। मैं बड़ा खुश हूँ, मैं वही चाहता हूँ यहाँ हो जाए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के बाद ख़त्म हो रहा है। हमने प्रोग्राम के मौजू रखा था रोल ऑफ IMF, तो अब हम कंक्लूड कर रहे हैं। IMF हमारे पास 2 साल से है तकरीबन, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी बदल दिया गया, प्रॉब्ली ही कुड नॉट मीट ऑल द कंडीशंस ऑफ IMF। तो IMF ने जो कंडीशनलिटीज़ लगाई थी, जिसमें एक कंडीशन ये भी था कि फ़ंड एक्सचेंज को फ्री किया जाए ताकि फाइन, तो अब तो 62 से बढ़ के अब 86 वाले पे हम आ गए, वो एक कंडीशन मीट हो गई। इंटरेस्ट रेट को उन्होंने बढ़ाने के लिए कहा था, जो कि बढ़ाया गया है और अभी मेंटेन है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि जो टारगेट्स था इन्फ्लेशन का वो मीट नहीं हुआ है, और यही वजह है कि अभी शायद ये रीशफलिंग हो रही है। तो जनरली आप ये जो कुछ सिनेरियो क्रिएट हुआ, जैसे हमने डिस्कस किया, वो हमने क्रिएट किया, और IMF ने तो हमने सेल्फ इम्पोज कंडीशंस लगाए और IMF ने उस पर बोरो बाई किया और हमें लोन दिया। तो हाउ डू यू ओवरऑल सी द रोल ऑफ IMF? इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव? शुड वी हैव अवॉइडेड दिस IMF प्रोग्राम और यू फेवर दिस? पर्सनली आई फेवर इट। नहीं, IMF जो है हमारे पास नहीं आता, हम जाते हैं IMF के पास, और हम उस वक्त जाते हैं जब हम देखते हैं कि क्राइसिस जो है बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है और कोई चारा नहीं है, तो हम फाइनेंसिंग के लिए IMF के पास जाते हैं। अब जब हम IMF के पास जाते हैं तो IMF हमारी इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखता है और उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं फिर वो आइडेंटिफाई होती हैं कि हमारी मॉनेटरी डॉक्टर वो यही कहेगा कि भाई आप अपने डेफिसिट्स को ख़त्म करें, हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को देखेगा, हमारी फिस्कल पॉलिसीज़ को देखेगा, तो फिस्कल पॉलिसीज़ में फिर वो हमारे एक्सपेंडिचर्स को कट करने का कहेगा, हमारी सब्सिडीज बेसिकली वो बैलेंस करने के लिए कहता है। जी हाँ, इट डजंट मैटर कि आप कितना एक्सपेंडिचर करें, रेवेन्यू बढ़ाएं, रेवेन्यू बढ़ाएं, नेक्स्ट टाइम फिर आपको ये प्रॉब्लम ना हो। कोई भी बैंकर कहेगा, अगर आप कमर्शियल बैंक में भी अगर जाएंगे, आप कर्जा लेंगे, बैंकर यही कहेगा कि भाई अपने खर्चे और उसमें तवाजन पैदा करो, सो दैट यू कैन रीपे अस। तो ये जो कंडीशंस होते हैं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन है फॉर एनी लेंडर। कोई लेंडर अगर ये कंडीशंस नहीं लगाता, इज इम्प्रूडेंट लेंडर। अगर आपने पैसा दिया है, यू विल कॉल फॉर डिफॉल्ट। जी, क्योंकि अगर आपने पैसा दिया है तो आप चाहेंगे कि आपका पैसा आपको वापस मिले, और वो उसी वक्त वापस हो सकता है जब आपकी इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी आएगी, और स्टेबिलिटी जो है वो पॉलिसी से आती है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, आपकी फिस्कल पॉलिसी है। इसे आपको टेक्निकल असिस्टेंस भी दे सकता है, आपको ट्रेनिंग भी दे सकता है कि किस तरह पॉलिसीज को रिवाइव किया जाए ताकि आप जो डिजायर टारगेट्स हैं उन्हें अचीव कर सकें ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो दोबारा सही हो जाए। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं अब कंक्लूड करता हूँ। नाज़रीन, रोल ऑफ IMF पे आपने हमारी डिस्कशन सुनी, उसमें हम थोड़ा कोरिया और जापान वगैरह के भी तरफ चले गए, क्योंकि ये मुल्क भी वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह की मदद से ही इतने ऊपर आए, और आज वो दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ हैं। हम बार बार हमें भी बहुत बड़ा एड मिला है वर्ल्ड से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत बड़ी तादाद में ग्रांट की सूरत में हमें पैसे मिले हैं। मेरी एस्टिमेट है कि तकरीबन $200 बिलियन हमें वेस्ट से मिला है इस पीरियड में सिंस इंडिपेंडेंस, और उसको हम लोगों ने कैसे यूज़ किया या नहीं किया, आज हम कहाँ रह गए, जापान, कोरिया, जर्मनी कहाँ पहुँच गए हैं, वो आप लोगों के सामने है। अभी जो रिसेंटली हम IMF के पास गए हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हमारी मेरी जो व्यू थी वो ये है कि ये जो हमने करेंसी को फिक्स रखा और इन्फ्लेशन को आगे बढ़ने दिया, उससे लोकल इंडस्ट्री पे बड़ा प्रेशर आया, बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई। मेरी ज़ाती राय तो ये है कि इन्फ्लेशन अगर ना होता, मिसाल के तौर 40% पे रहते हम, तो हमारी इकॉनमी इस वक्त बहुत अच्छी होती। लेकिन और मेरी ये भी सोच है कि जो मैंने दूसरे दुनियाओं में देखा है, इन्फ्लेशन जहाँ नहीं होता वहाँ वो सोसाइटी भी बड़ी पीसफुल होती है, मुल्क भी बहुत सही चल रहा होता है। डॉक्टर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 2-3% इन्फ्लेशन जो है वो इनक्रेज करता है ग्रोथ को, और वो इतनी बुरी चीज़ नहीं है। अमेरिका वगैरह में 2-3% इन्फ्लेशन रहा है, उससे जाहिर है कोई इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन हम लोग जो 30% इन्फ्लेशन पे चले गए, उसने हमें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और हम बहुत मुश्किलात में आ गए।
एक इससे जो वर्स्ट एग्जांपल इस वक्त पूरे दुनिया में मिल सकता है वो सिर्फ जिम्बाब्वे का है, जहाँ 3000% इन्फ्लेशन पहुँच गया है। बाकी अगर आप नेबरिंग कंट्रीज़ में देखें, इंडिया में 5% इन्फ्लेशन पर हुकूमत गिर जाती है। 2008 के जो क्राइसिस आया था उस पर उन्होंने 8-9% तक उसको ऊपर जाने दिया, फिर बड़ी तेज़ी से वो ले आया 4-5% पे। इवन बांग्लादेश में अभी जो है ना 3-4% का इन्फ्लेशन चल रहा है। हमें बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन नीचे लानी चाहिए, यही वर्ल्ड IMF की कंडीशन भी है, यही IMF की डिज़ायर है, और ये मेरे ख्याल में बिल्कुल जस्टिफाइड है। जब तक हम अपने बुक को बैलेंस नहीं करेंगे, हमारे एक्सपेंडिचर इनकम हमारे बराबरी पे नहीं आएंगे, ये प्रॉब्लम हमारी रहेगी। हम डेफिसिट को करेंसी प्रिंट करके पूरा करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पे हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।